दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंच सके। Hey guys, what's up? Awesome, we're back with another video. और guys, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की। और बहुत लोग मेरे से कह रहे हैं कि जब से मैंने पीसी बनवाया है तब से मैंने कंसोल की तरफ देखना ही छोड़ दिया। मैं PS4 पे गेम्स नहीं खेलता, मैं Xbox पे गेम्स नहीं खेलता, डेफिनेटली बिकॉज पीसी ज्यादा अच्छा है कंसोल से। तो क्या ये चीज सही है? क्या यही रीजन है कि मैं अब पीसी पे ही रहता हूँ और कंसोल पे वापस नहीं जाता? क्या रीजन है कि आपको कौन सा कंसोल लेना चाहिए या फिर आपको पीसी लेना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग ये पूछे कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिया, ना PS4 ना पीसी, तो हमें ये बताओ कि हमें पीसी के साथ जाना चाहिए या PS4 के साथ। और जिन लोगों के पास इन दोनों में से एक भी चीज़ है, लाइक किसी के पास पीसी है तो उसको क्या कंसोल लेना चाहिए, किसी के पास कंसोल है तो क्या उसको पीसी भी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। लेट्स गो। गाइस, ये पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आने वाले दिनों में बहुत सारी पीसी बिल्ड की वीडियो लेके आने वाला हूं, 50,000, 60,000, 70,000। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इस प्राइस रेंज में क्या अच्छा पीसी बन सकता है। तो आप अपनी प्राइस रेंज और अपने लिए जो आपको लगता है कि ये ठीक रहेगा इस प्राइस रेंज में, इंटेल या AMD, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना ताकि मैं उसके ऊपर जज करके कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी उस प्राइस रेंज में, मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकूं ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो गाइस, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि भाई क्या चीज़ बढ़िया है, पीसी या कंसोल, या दोनों ही बकवास है, या दोनों ही अच्छी हैं, दोनों लेनी चाहिए या फिर एक लेनी चाहिए दूसरे को छोड़ के। तो गाइस, पहला पॉइंट ये है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो ये वीडियो 1 घंटा लंबा हो जाएगी। तो मैं आपको बहुत ही मेजर पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो गाइस, पहली जो चीज़ है वो है एक मिथ या फिर एक मिसकंसेप्शन कि पीसी जो है वो ओवर पावर्ड होता है कंसोल से। तो गाइस देखिए, ऑन पेपर अगर देखा जाए, अगर आप एक तरफ पीसी के स्पेक्स रखिए जो लेटेस्ट स्पेक्स हैं, जो सबसे हाई एंड स्पेक्स हैं, जो करीब आपको पड़ेंगे 3 से 4 लाख के बीच में, और अगर आप एक अच्छे कंसोल जैसे कि PS4 Pro या फिर Xbox One X के स्पेक्स रखें, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि भाई पीसी ने तो यहाँ पे सारी बाजी मार ली। मतलब इतने अच्छे स्पेक्स तो कंसोल में शायद आने वाले 10 साल में भी नहीं आ सकते जो अभी से अवेलेबल है पीसी में। लेकिन यहाँ पे एक पर्पस हमारा ये है गेमिंग का। तो क्या कंसोल में अगर स्पेक्स कम है, रैम कम है, प्रोसेसर कम है, अगर उसकी पावर कंजम्पशन कम है, तो क्या वो तब भी वो काम नहीं कर पा रहे जो पीसी कर सकते हैं? डेफिनेटली गेमिंग के मामले में तो कंसोल कर पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यस, यहाँ पे अब 2 चीज़ें और हो जाएंगी, आप बोलेंगे कि फ्रेम रेट्स और रेजोल्यूशन। तो गाइस देखिए, कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिनमें आपको रेजोल्यूशन जो है इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल पबजी। अब पबजी के ग्राफिक्स अगर आप बाकी गेम्स देखें कॉल ऑफ ड्यूटी के मुकाबले, तो पबजी के ग्राफिक्स फिर भी थोड़े से लो हैं। तो वहाँ पे आपको रेजोल्यूशन नहीं, वहाँ पे आपको चाहिए एंटरटेनमेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में जो एंटरटेनमेंट आती है, जो मज़ा आता है, वो चीज़ देखते हैं लोग इंस्टेड ऑफ ग्राफिक्स। लेकिन कुछ गेम्स ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिव्स होती हैं, उनमें लोग देखते हैं कि भैया ग्राफिक्स भी अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंसेप्शन है अपनी अपनी लोगों की, मेरी और आपकी अलग अलग राय हो सकती है इस चीज़ पे। लेकिन आज की डेट में जो कंसोल कर पा रहे हैं, डेफिनेटली वो इक्वल है एक पीसी के, बहुत ही अच्छे डिसेंट पीसी के। डेफिनेटली अगर आप बहुत हाई एंड पीसी के साथ जाएंगे 2080 Ti वगैरह, तो आपको वहाँ पे 4K 60 FPS, 4K 120 FPS, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आज के डेट के कंसोल के कहीं भी आसपास नहीं आती। तो आपको लगेगा कि यार ये तो फिर पीसी बाजी मार गया। तो डेफिनेटली अगर आप बहुत हाई एंड पीसी की बात कर रहे हैं तो पीसी आगे है। लेकिन अगर आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि जिस कॉस्ट में आपको एक कंसोल मिलेगा, जिस कॉस्ट में आपको एक पीसी मिलेगा, तो वहां पे कंसोल डेफिनेटली आगे है। तो गाइस दूसरा पॉइंट आता है इसके बाद, वो है मल्टीटास्किंग। अब यहाँ पे सबसे बड़ी एक जंग है इन दोनों चीजों में। देखिए गाइस, कंसोल पे हम ब्लेम करते हैं कि वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। वो करें भी क्यों? क्योंकि उनका पर्पस ही नहीं है। जो आप पैसे पे कर रहे हो कंसोल के लिए, अगर आप उतने में ही पीसी बनवाओगे, तो मेरे ख्याल से तो वो भी मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएगा। मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि आपको एक अच्छा, एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जिसमें आप वीडियो एडिटिंग भी कर पाओ, ब्राउजिंग भी कर पाओ, आप यूट्यूब भी देख पाओ, आप साथ में अपनी फेवरेट मूवीज भी देख पाओ, फाइल्स भी स्टोर कर पाओ, आप अपना जो प्रोफेशनल काम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉलेज में कुछ कोडिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो, तो आपका पीसी जो होगा वो आपका तो भैया बेस्ट फ्रेंड होगा। तो आपके लिए ये सारे काम पीसी में, इंक्लूडिंग गेम्स, पीसी में करने बहुत आसान है
कंपेयर टू कॉन्सोल्स जिसमें सिर्फ गेमिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कॉन्सोल मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते। PS3 की अगर बात करें आप, Xbox 360 की बात करें, तो जब गेम्स के अपडेट्स आते थे तो पहले आपको अपने कॉन्सोल को उस अपडेट पे लगा के छोड़ना होता था, क्योंकि वो एक टाइम पे PS3 एक ही काम कर सकती है और Xbox 360 भी एक ही काम कर सकता है। तो आपको क्या कहते हैं, दोनों ही कॉन्सोल को लगा के छोड़ देना था, भैया अभी ये अपडेट आया हुआ है तो पहले अपडेट कर ले, उसके बाद फिर ये गेम जो है ऑन होगी। लेकिन आज की डेट में अगर आप सिंगल प्लेयर गेम खेल रहे हैं तो आपका जो PS4 और Xbox One है वो बैकग्राउंड में चीज़ें डाउनलोड कर सकता है, तो ये भी एक तरह की मल्टीटास्किंग है। लेकिन डेफिनेटली जहाँ पे बात आती है बाकी तरह के सॉफ्टवेयर की, वीडियो एडिटिंग भी आप PS4 पे कर सकते हैं, लेकिन क्या उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है जितनी PC में मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही बेसिक वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं आप PS4 पे और Xbox One पे, क्योंकि इन पे भी कुछ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन वो गेम क्लिप्स वगैरह एडिट करने के लिए है। अगर आपको एक प्रॉपर यूट्यूबर वाली फील चाहिए, अगर आपको एडिटिंग करनी है बहुत हाई एंड वाली, तो डेफिनेटली वो सिर्फ PC पे ही हो सकती है। इसके बाद आते हैं गाइस तीसरे पॉइंट पे, वो है गेम्स। अब अगेन हम बात कर रहे हैं गेम्स के बारे में, तो गेम्स का पॉइंट ना रखूं तो भैया ये पूरी वीडियो ही इनवैलिड होगी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट पे बताया कि गेम्स जो है वो दोनों ही चीजों पे चलती हैं बहुत अच्छे से, PC पे भी और कॉन्सोल पे भी। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें गेम्स स्पेसिफिकली, गेम्स की ना रेजोल्यूशन की बात करो ना फ्रेम रेट्स की बात करो, वो एक अलग चीज है, वो मैंने पहले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गेम्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों अपने अपने केसेस में काफी आगे हैं, लेकिन कॉन्सोल थोड़ा सा ज्यादा एज लेके जाता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। कुछ गेम्स ऐसी हैं जैसे कि रिंग ऑफ एलिजियम या फिर आप बोले World War 3, जो PC एक्सक्लूसिव्स हैं अभी तक, लेकिन उनके डेवलपर ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में उनको कॉन्सोल पे भी लेके आया जाए। वो इसलिए क्योंकि कॉन्सोल यूजर्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू हाई एंड PC यूजर्स, तो उनके लिए बहुत बड़ा यूजर बेस होगा कि आपको एक कॉन्सोल पे भी उसका वर्जन निकालना चाहिए। सिमिलरली गोज फॉर कॉन्सोल्स एज वेल। एग्जाम्पल के तौर पे रॉकस्टार जैसी जो कंपनीज हैं वो अपनी मेजर गेम्स जो हैं पिछले कुछ सालों से पहले लेके आती हैं कॉन्सोल्स के ऊपर, उसके बाद PC के ऊपर, जैसे कि GTA 5 और Red Dead Redemption 2। तो Red Dead Redemption 2 का अभी तक ऑफिशियली तो कोई सीन नहीं है PC पे आने का, लेकिन डेफिनेटली आज से 2 या 3 साल बाद या उससे पहले ही वो गेम डेफिनेटली PC पे आएगी, क्योंकि उसको आना पड़ेगा, क्योंकि PC पे भी काफ़ी अच्छा यूजर बेस है जो रॉकस्टार की गेम्स खेलते हैं। अब अगेन अगर आप एक्सक्लूसिव्स की बात करें, जो PS4 एक्सक्लूसिव्स हैं, जो Xbox One एक्सक्लूसिव्स हैं, कुछ एक्सक्लूसिव्स Xbox One की ऐसी हैं जो आपको PC पे भी खेलने को मिलती हैं, लेकिन कुछ एक आध गेम्स ऐसी हैं जो सिर्फ Xbox पे ही चलती हैं, और बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जो सिर्फ PS4 पे चलती हैं, जो कभी भी ना Xbox पे आएंगी ना PC पे आएंगी, कभी भी नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सोल में अगर आप PS4 स्पेसिफिकली बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारी गेम्स जैसे कि गॉड ऑफ वॉर सीरीज, अनचार्टेड, लास्ट ऑफ अस, स्पाइडरमैन, रेड डेड रिडेम्पशन 2 अभी तक, तो इस तरह की गेम्स जो है वो कभी भी आपको PC पे खेलने को नहीं मिलेगी। कभी भी आप उन गेम्स को 120 FPS पे, 180 FPS पे, 200 FPS पे कभी भी नहीं खेल पाओगे। तो यहाँ पे इन गेम्स को एंजॉय करने के लिए आपको चाहिए PS4 जैसे कॉन्सोल्स। अगर आपको इन गेम्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे ग्राफिक्स बहुत ही 4K में और 60 FPS पे, आपको चाहिए PUBG 4K 120 FPS, आपको चाहिए Battlefield, आपको चाहिए GTA 5 200 FPS पे, तो आपके लिए PC ही बेस्ट है अगर आप ये सब चीज़ें इग्नोर कर सकते हो। जो एक्सक्लूसिव गेम्स हैं PS4 की, अगर आप उनको इग्नोर कर सकते हो, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, आप नहीं खेलना चाहते और आप एक ही चीज़ लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर PC। फोर्थ रीज़न यहाँ पे आता है गाइस, स्ट्रीमिंग सर्विसेज। देखिए आज की डेट में क्या है कि जिसके पास भी कॉन्सोल है या फिर जिसके पास भी अच्छा PC है, वो ये चाहता है कि साइड बाय साइड मैं एक यूट्यूब पे चैनल भी बनाऊँ या फिर एक ट्विच पे चैनल भी बनाऊँ जहाँ पे मैं स्ट्रीमिंग भी कर पाऊँ, जहाँ पे लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, हो सकता है मेरा चैनल बन जाए अच्छा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज के डेट में जो कॉन्सोल्स हैं वो ये काम करने के कैपेबल हैं और करते भी हैं। मैं बहुत सारी गेम्स जो हैं स्ट्रीम करता हूँ कॉन्सोल से भी, और बहुत सारी गेम्स मैं स्ट्रीम करता हूँ PC से। लेकिन अगर आपको एक जेन्युइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चाहिए तो आपको PC लेना ही पड़ेगा।
अगर आप कॉन्सोल से स्ट्रीम करते हैं तो PS4 Pro और Xbox One X जैसे कॉन्सोल जो हैं वो स्ट्रीमिंग करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आप अपना जो फेस कैम है वो अच्छा सा बनाना चाहते हैं, साथ में आप सब्सक्राइबर काउंट वगैरह, साथ में आप जो आपको यू नो हेल्प कर रहे हैं आपके चैनल को, फॉर एग्जांपल सुपर चैट या पेटीएम के थ्रू, तो उन चीज़ों के जो नाम लिखे आते हैं वो सब काम आप PC पे ही कर सकते हैं, वो कॉन्सोल में अवेलेबल नहीं है। तो डेफिनेटली अगेन फॉर स्ट्रीमिंग पर्पसेस आपको एक PC चाहिए ही चाहिए। और गाइस इसके बाद आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे जो है फिफ्थ पॉइंट, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बेसिस पे ही ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, वो है प्राइस पॉइंट। अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखिए, मतलब कि जितना प्राइस आप पे कर रहे हैं उतने में आपको कितना परफॉर्मेंस मिल रहा है अपनी चीज़ से, तो PS4 और Xbox One के आगे कोई चीज़ नहीं। गाइस देखिए आज की डेट में कॉन्सोल भी बहुत सस्ते हो गए हैं, GST 28% से 18% पे आ गया है, कॉन्सोल के प्राइसेस भी कम हुए हैं, तो 22 से 24,000 के बीच में आज की डेट में आपको 1 TB PS4 स्लिम विद बिल मिल जाता है। तो अगर आप सारे PC कंपोनेंट्स मिला के, सिर्फ CPU की बात कर रहा हूँ, मैं TV या मॉनिटर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आप 24,000 तक का एक PC बनवाते हैं, आपको लगता है कि वो GTA 5 भी ढंग से चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। आपको लगता है वो आने वाले कुछ गेम्स भी 30 FPS पे आपको चला के दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। 24 से 25,000 की रेंज में अगर आप एक कॉन्सोल ले लेते हैं तो वो आने वाले कम से कम 2-3 साल तक की गेम्स भी चला पाएगा, जो कि डेफिनेटली है ही, क्योंकि बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जो डाउन द लाइन अभी वाले कॉन्सोल्स पे रन करेंगी, फॉर एग्जाम्पल साइबरपंक 2077। इस तरह की गेम्स जो है वो PS4 पे भी आएंगी, PC पे भी आएंगी, लेकिन क्या एक 25,000 का PC चला पाएगा ये सारी गेम्स? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की बात करें तो डेफिनेटली PC कहीं भी स्टैंड आउट नहीं करता। और क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये नहीं है, प्राइस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? तो आपको लगता है कि ये जो पीछे दो मॉनिटर्स पड़े हुए हैं इनकी जगह मैं 4K मॉनिटर्स या 4K टीवी नहीं रख लेता? भाई फुल HD मॉनिटर है, ये फुल HD टीवी है, क्यों है फुल HD, क्यों नहीं है 4K? वो इसलिए क्योंकि प्राइस, अल्टीमेटली पैसा कितना है आपके पास, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको कोई भी पॉइंट में क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और पॉइंट ऐड करना चाहिए इसमें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और साथ में किस प्राइस रेंज का आप PC बनवाना चाहते हैं वो ज़रूर बता देना, क्योंकि उसके ऊपर मैं आने वाले दिनों में लेके आऊँगा बहुत सारी वीडियोज़। तो गाइस कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, और साथ में शेयर एंड एंड में सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो भाई प्लीज़, बहुत हेल्प मिलती है उससे, बहुत हौसला बढ़ता है और सारी वीडियोस बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय बाय।